गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इम्पॉर्टेंट प्लांट सोर्सेज ऑफ वुड। मायसेल्फ अनीता मालव, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, जेडीबी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, कोटा। सम इम्पॉर्टेंट वुड्स, कुछ प्रमुख इमारती कास्ट के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे, के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है साल, इसका बॉटनिकल नेम है शोरिया रोबस्टा। फैमिली है डिप्टेरियो कार्पेसी और इसका कॉमन नेम है साल। साल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण व्यावसायिक टिम्बर है जो भारत में इसका बहुत से उपयोग किया जाता है। अगर इसके वृक्ष को हम देखें तो काफी बड़ा होता है, ग्रेगेरियस है, रेजिनिफेरस ट्री होता है विद लार्ज ओवेट ऑब्लोंग एंड लेदरी लीव्स। काफी बड़ी इसकी लेदरी लीव्स होती हैं जो लंबाई में 10 से 25 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 से 20 सेंटीमीटर होती है। इसके अंदर प्लांट्स जो होते हैं वह येलो स्मॉल होते हैं और इन्फ्लोरेसेंस देखें तो टर्मिनल पैनिकल या एक्सिलरी पैनिकल इसमें पाया जाता है। फ्रूट इसके अंदर ओवॉइड होता है, इनडेहिसेंट होता है, वन सीडेड नट होता है विद विंग लाइक परसिस्टेंट सेपल्स। तो जो सेपल्स होते हैं वह इसमें चिरलग्न रहते हैं और विंग्स लाइक होते हैं। नाउ कहाँ कहाँ पर इसको उगाया जाता है, इसको अगर हम देखें तो भारत में ये बहुलता से उगाया जाता है। इसके अलावा श्रीलंका, बर्मा और अदर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है वहाँ यह उगाया जाता है। भारत में अगर हम इसकी बात करें तो जो ट्रॉपिकल हिमालयाज हैं इसके जो तराई के क्षेत्र हैं वहाँ पर इसको बहुत से उगाया जाता है, फ्रॉम सतलुज टू आसाम इन द ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया और इसके अलावा हिल्स ऑफ वेस्ट बंगाल। तो यहाँ इन क्षेत्रों में बहुत से इसकी खेती की जाती है। और जो साल का ग्रोन एरिया है वह काफ़ी ज़्यादा है, 71 लाख हेक्टेयर पर इसको उगाया जाता है और लगभग 37,90,000 हेक्टेयर तो केवल एमपी में ही इसकी खेती की जाती है, अर्थात इसको उगाया जा रहा है। तो काफ़ी मात्रा में इसके वन है, साल के वृक्ष हैं एमपी के अंदर। साल को किस तरह का क्लाइमेट कंडीशन चाहिए तो हम यहाँ देखते हैं कि 25 से 35 डिग्री सेल्सियस इसके लिए उपयोगी है और एनुअल रेनफॉल अप टू 450 सेंटीमीटर में यह अच्छी तरह से ग्रोन होता है। इसका जो ट्री है वह मार्च अप्रैल में फ्लावरिंग करने शुरू हो जाता है और जून तक सीड्स जो होते हैं वो राइप हो जाते हैं। सीड्स को अगर जब इसकी खेती की जाती है तो सीड्स को सबसे पहले हम नर्सरी बेड्स बनाए जाते हैं और रोज में इनको उगाया जाता है। जब सीडलिंग 1 से 3 साल के हो जाते हैं देन उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है और उनको दूसरी जगह पर 3 से 4 मीटर के डिस्टेंस पर उगा दिया जाता है। एक अच्छी क्वालिटी टिम्बर प्राप्त करने के लिए लगभग 30 से 50 साल पुराना साल ट्री होना चाहिए हमारे पास। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ सालवुड, अगर इसकी प्रॉपर्टी हम देखें तो डिस्टिंक्टली डिफ्रेंशिएटेड हमें दिखाई देगा सैपवुड और हार्डवुड के अंदर। यह पहले भी हम देख चुके हैं कि जो सैपवुड होता है ये परिधीय जो द्वितीयक जाइलम होता है वह सैपवुड होता है और ये हल्के रंग का होता है और ये क्रियाशील है एक तरह से, जबकि जो हार्डवुड होता है जो इसका जो द्वितीयक जाइलम होता है ये अक्रियाशील हो जाता है। इसमें गम, रेजिन, टाइलोसिस आपको काफी दिखाई देगा। तो जो कमर्शियली उपयोगी जो टिम्बर है तो उसमें हमें हार्डवुड ही इम्पोर्टेंट होता है, सैफवुड इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता है। हार्डवुड को अगर हम देखें तो ये काफी हार्ड है, इसका हैवी है, एक्सट्रीमली टफ ब्राउन और रेडिश ब्राउन कलर आपको दिखाई देगा, जबकि सैफवुड होता है ये हल्का होता है, ब्राउनिश व्हाइट आपको दिखाई देगा। वुड जो होता है ये प्रतिरोधक होता है किसके, अर्थात इस पे वाइट एंड्स और फंजाई के प्रति ये प्रतिरोधक क्षमता दिखाता है। अगर एवरेज वेट हम देखें तो प्रति मीटर पे इसका 85 kg है और इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट 12% है। जो इसकी वुड है वो डिफ्यूज पोरस है इसलिए आपको ग्रोथ रिंग्स यहाँ पर नहीं दिखाई देंगी। पोर्स काफी इसमें लार्ज होते हैं, क्लियरली विजिबल है और टाइलोसिस आपको काफी मात्रा में दिखाई देगा। वर्टिकल गम डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं इन लॉन्ग टेंजेंशियल बैंड्स अपीयरिंग एज वाइट कॉन्सेंट्रिक लाइंस एट इरेगुलर इंटरवल्स। मेडुलरी रेज आपको दिखाई देगी, कुछ ही दिखाई देती हैं लेकिन वाइडली स्पेस्ड होती हैं
और फाइन टू मॉडरेटली ब्रॉड होती हैं। जब साल के वुड को जब हम सीजनिंग करते हैं या संशोधित करते हैं, ड्राई किया जाता है, तो बहुत ही केयरफुली इसको किया जाता है इस काम को, क्योंकि अगर हमने केयरफुली नहीं किया तो इसकी स्ट्रेंथ, इसकी इलास्टिसिटी और ड्यूरेबिलिटी, इन तीनों पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो बहुत ही केयरफुली इसको ड्राई किया जाता है, संशोधित किया जाता है, ताकि इसकी स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी और ड्यूरेबिलिटी बरकरार रहे। यहाँ पर आप देख सकते हो साल की जो कास्ट है उसके यहाँ पर आपको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। नाउ यूजेस ऑफ साल। साल का उपयोग स्लीपर वुड्स के रूप में किया जाता है। ये साल की जो कास्ट है ये उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी टीक और देवदार की है। इसको डोमेस्टिक टिम्बर के रूप में काफी उपयोग किया जाता है। बीम्स बनाने में, राफ्टर फ्लोर्स बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ब्रिजेस बनाने में, बोर्ड्स कैरिज एंड वैगन बिल्डिंग, वैगन बनाने में काफी उपयोग किया जाता है। इसके अलावा एग्रीकल्चर में जो उपयोग लाए जाने वाले टूल्स हैं या टूल्स के जो हैंडल्स होते हैं उनको बनाने में भी साल की लकड़ी का उपयोग किया जाता है। अगर हम साल ट्री में टैपिंग करें तो ओलियो रेजिन हमें प्राप्त होता है, और जिसको हम कहते हैं साल डामर। और इसका जो उपयोग किया जाता है वह पेंट्स और वार्निश के रूप में किया जाता है। इसके अलावा बोर्ड्स जो होते हैं उनके जॉइंट्स को जोड़ने में भी इसका उपयोग किया जाता है। साल रेजिन के अंदर जो एसेंशियल ऑयल होता है उसको हम कहते हैं चूवा ऑयल, और इसका उपयोग फिक्सेटिव के रूप में किया जाता है और फ्लेवरिंग के रूप में, च्युइंग एंड स्मोकिंग टोबैको, तो इन इनके अंदर फ्लेवरिंग के रूप में किया जाता है। नाउ इसका बॉटन का नेम है टेक्टोना ग्रैंडिस फैमिली वर्बीनेसी, और वर्निकुलर नेम यानी कॉमन नेम अगर हम देखें तो सागवान है, और आप इसको बहुत अच्छे से जानते होंगे। सागवान की लकड़ी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। यहाँ आप ट्री देख सकते हैं सागवान का, और बहुत ही महत्वपूर्ण है, और पूरे वर्ल्ड में इसकी बहुत ज्यादा डिमांड भी है। यह इंडिजीनस है टू इंडिया, इसके अलावा जावा, सुमात्रा एंड पार्ट्स ऑफ इंडोनेशिया, तो काफी ये यहाँ पर पाया जाता है इंडिया में, जावा में, सुमात्रा में। और यह एक पर्णपाती ट्री है, और इसकी हाइट 30 मीटर से लेकर 30 मीटर से तक होती है, और इसकी चौड़ाई अगर हम देखें तो 2.5 से 4 मीटर इसकी गर्थ होती है। 200 साल तक इस वृक्ष की एज होती है, तो काफी लंबे टाइम तक ये वृक्ष चलता है। ब्रांचेस आर क्वाड्रेंगुलर एंड पबसेंट होती हैं इसकी। अगर हम इसका ट्रांसवर्स सेक्शन काटेंगे तो हमें यह क्वाड्रेंगुलर दिखाई देगा। लीव्स अपोजिट सिंपल इलेप्टिकल टू ओवेट होती हैं, ओबोवेट होती हैं, और 25 से 50 सेंटीमीटर लंबी, 20 से 40 सेंटीमीटर वाइड होती हैं। तो यह इनके कुछ खास बॉटनिकल कैरेक्टर्स हैं। इसके अलावा इसमें जो फ्लावर्स होते हैं वह लार टर्मिनल पैनिकल होते हैं, ब्रैक्टीएट, हर्मोफ्रोडाइट और हाइपोगाइनस एंड पेंटामेरस होते हैं। फ्रूट जो है 4 लोब नट होता है, 1 सेंटीमीटर डायमीटर तक होता है। एरिया अगर हम इसका देखें तो कहाँ कहाँ पर वाइडली ग्रोन यह किया जाता है। इंडिया में, बर्मा, श्रीलंका, मलेशिया, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया में काफी मात्रा में यहाँ पर उगाया जाता है, और आपको यहाँ वन भी दिखाई देंगे सागवान के। इसके अलावा एक्सटेंसिव फॉरेस्ट ऑफ टीक अगर इन बर्मा, बर्मा में आपको बहुत ज्यादा इसके वन दिखाई देंगे वृक्ष बर्मा में। भारत में अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से एमपी में आपको मिलेगा, इसके अलावा महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, राजस्थान, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, तो इनका जो एरिया अगर हम देखें तो 7 लेख 20 हम देखें 72 लेख 76,000 हेक्टेयर पर इसके वन पाए जाते हैं, यानी इतना एरिया इसने कवर किया हुआ है। अगर हम इसके क्लाइमेट कंडीशन की बातें करें तो जो सॉइल होनी चाहिए वो परफेक्ट ड्रेनेज उसमें सिस्टम होना चाहिए, अर्थात उसमें पानी नहीं रुकना चाहिए। इसके अलावा इट इज अ लाइट डिमांडिंग ट्री एंड रिक्वायर्स फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर। द प्लांट थ्राइव्स वेल एट टेम्परेचर ऑफ 26 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस, और जो वार्षिक इसको रेनफॉल चाहिए वह है 130 से 300 सेंटीमीटर। लेकिन जो फ्रोस्ट होता है, फ्रोस्ट की वजह से टी को काफी नुकसान भी होता है, और अगर मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन डेफिशिएंसी है तो इसकी ग्रोथ जो होती है वो रुक जाती है, ग्रोथ कम होती है तब। फॉरेस्ट
फॉर प्लांटेशन सीडलिंग्स ऑफ टी का रेज इन नर्सरी बेड इन अप्रैल मई, और टीक सीडलिंग्स डू नॉट थ्राइव इन शेड, और जो सीडलिंग्स होते हैं उनको शेड में नहीं उगाते हैं। सीडिंग जब 30 सेंटीमीटर हाई हो जाते हैं तो उनको ट्रांसप्लांट कर लिया जाता है, और एक गुड क्वालिटी ऑफ टिम्बर इज ऑब्टेन फ्रॉम 50 to 80 ईयर्स ओल्ड, यानी काफी लंबा समय इसको लगता है एक अच्छे सागवान की लकड़ी प्राप्त करने के लिए। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ टीक वुड हम देखें तो वुड जो होती है वो डिस्टिंक्टली डिफरेंशिएट होती है सैपवुड और हार्डवुड में, और इसमें सैपवुड जो होती है वाइट टू पेल येलोइश ग्रे वाइट होती है, हार्डवुड जैसे हमने देखा तो ये डार्क कलर की ही होगी। जो सैपवुड होती है यह ससेप्टिबल होती है, अति संवेदनशील होती है टर्माइट्स और फंजाई से, तो काफी इसका ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि टर्माइट्स और फंजाई जो होते हैं इसको खराब कर सकते हैं। लेकिन जो हार्डवुड होती है वो प्रतिरोधक क्षमता दर्शाती है इन पेस्ट के प्रति। वुड जो होता है ऑयली टू टच, जब हम देखें तो काफी ऑयली टाइप का आपको दिखाई देगा, और इसके अंदर एक बहुत ही अच्छी सी ओल्ड लेदर जैसी इसमें ऑर्डर आती है, इसकी स्मेल जो है वह ओल्ड लेदर जैसी होती है। अगर हम वेट देखें तो 650 kg प्रति मीटर इसका वेट होता है, और 12% इसमें मॉइस्चर कंटेंट है। रिंग पोरस वुड होती है इसलिए आपको यहाँ पर डिस्टिंक्ट ग्रोथ रिंग्स यहाँ पर दिखाई दे रही हैं और दिखाई देती हैं। ओपोर्स जो होते हैं अर्ली वुड के अंदर लार्ज होते हैं और अच्छे से आपको दिखाई देंगे। मेडुलरी रेस जो होती हैं वो ब्रॉड होती हैं, वाइडली स्पेस्ड होती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सागवान की जो लकड़ी है कास्ट आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर कुछ फोटोज हैं। नाउ यूजेज ऑफ टीक। टीक जो होता है बहुत ही अच्छी इसकी लकड़ी है, कास्ट इसकी होती है और काफी डिमांडिंग होती है, और पानी से प्रतिरोधक दर्शाती है, इसीलिए टर्माइट्स और वाइट एंट्स का द्वारा अटैक का खतरा इसमें कम ही रहता है, इसीलिए इसकी डिमांड ज्यादा है क्योंकि यह काफी रेजिस्टेंट प्रतिरोधक क्षमता दर्शाती है। वुड जो है इसकी ड्यूरेबल होती है, हार्ड होती है और रेजिस्ट टू डीके, खराब होने से बचती है, इसीलिए इसकी डिमांड ज्यादा है और ये महंगा भी आता है क्योंकि ये बेस्ट टिम्बर होता है, इसीलिए इसका उपयोग कैबिनेट वर्क में, वैगन, रेलवे कैरिजेस में, फर्नीचर में इसका काफी डिमांड है। इसके अलावा मैराइन कंस्ट्रक्शन में, डेकिंग ऑफ बोट्स में, शिप में बनाने में काफी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा पोल्स, बीम्स, रूफ, विंडो फ्रेम बनाने में, कंस्ट्रक्शनल वर्क, इन सब में इसका काफी मात्रा में उपयोग किया जाता है। इसके अलावा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में इसका उपयोग किया जाता है, प्लाईवुड्स में। एज द वुड इज रेजिस्टेंट टू केमिकल्स इट इज यूज फॉर मेकिंग लेबोरेटरी बेंच टॉप्स बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग प्लास्टिक बोर्ड्स बनाने में, प्लास्टिक बोर्ड में बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। चिप बोर्ड, फाइबर बोर्ड्स बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। एनी ऑयली प्रोडक्ट ऑब्टेंड बाय डिस्टिलेशन ऑफ वुड चिप्स इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्जिमा, तो एक्जिमा में भी इसका जो ऑयल निकलता है उसका उपयोग किया जाता है। जो इसके फ्लावर्स होते हैं उसका उपयोग ब्रोंकाइटिस में और यूरिनरी डिसऑर्डर्स में किए जाते हैं, और रूट बार्क जो होती है इसका उपयोग कलरिंग मैटिंग में किया जाता है। थर्ड हम पढ़ते हैं शीशम। शीशम का प्लांट का अपने आपने अपने आसपास जरूर देखा होगा, ये शीशम का प्लांट है जरूर देखा होगा। इसका बॉटनिकल नेम है डलबर्जिया सीसू, फैमिली है फैबेसी और इसका कॉमन नेम है शीशम। शीशम जो है यह उप हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है, आउटर हिमालय वैलीज में ये देखने को मिलेगा। लार्ज डेसीडियस ट्री होता है और इसकी हाइट लगभग 20 मीटर से ज्यादा और चौड़ाई 2 से 4 मीटर आपको देखने को मिलेगी। लीव्स जो होती हैं पिनेटली कंपाउंड ब्रॉडली इलेप्टिकल टू ओवेट लीफलेट आपको यहाँ दिखाई देंगी। फ्रूट जो होता है वो लेंसुलेट पोड होता है, आपको यहाँ चित्र में भी आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, लेंसुलेट पोड इसका होता है फ्रूट। नाउ एरिया अंडर प्लांटेशन हम देखें कि भाई यह सब हिमालयन ट्रैक्स में पाया जाता है, रावी टू आसाम तक यह पाया जाता है और 1530 मीटर की ऊंचाई तक यह पाया जाता है। इसको मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए होता है। इसके अलावा इसको अच्छा जो वाटर चैनल्स के किनारों पर और रिवर बैंक्स के
जो होते हैं नदी के किनारों पे, वाटर चैनल्स के किनारों पे ये काफी मात्रा में पाए जाते हैं। प्रॉपर्टीज हम देखें तो डिस्टिंक्टली डिफरेंशिएटेड होती है इसकी कास्ट, सैफवुड में और हार्डवुड में विभेदित दिखाई देती है। सैफवुड तो हल्के रंग का होगा और हार्डवुड गोल्डन ब्राउन से डीप ब्राउन तक होगा। इसके अलावा इसका जो वेट देखें 780 kg पर मीटर होता है, सब मॉइस्चर कंटेंट 12% ही है। और वुड जो है डिफ्यूज पोरस वुड है, टेंडेंसी टू सेमी रिंग पोरस। और इसके अंदर हम देखें वुड में काफी गमी डिपॉजिट्स आपको देखने को मिलते हैं। मेडुलरी रेज फाइन न्यूमरस और क्लोजली स्पेस्ड होती हैं, अर्थात दूर दूर नहीं होती हैं, काफी पास होती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं वुड, शीशम की लकड़ी। नाउ शीशम का उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जा रहा है? इसको कैबिनेट वुड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, फर्नीचर बनाने में, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में, हैमर के जो हैंडल्स जो बनाए जाते हैं उनमें उपयोग किया जाता है। इसके अलावा चारपाई के जो पाए बनाते हैं उनमें इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा फ्यूल वुड के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, चारकोल मेकिंग में इसका उपयोग किया जाता है। और शीशम की ही जो हार्डवुड है इसका उपयोग, इसमें एक ऑयल होता है, इसका उपयोग स्किन की जो डिजीज होती हैं या फूड डिजीजेस होती हैं, जो कैटल में फूट एंड माउथ डिजीज आपने सुना होगा, तो जो फूड डिजीज होती है कैटल्स में उसमें इस ऑयल का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इसके जो वुड ऑयल है उसका उपयोग बर्निंग सेंसेशन ऑफ द बॉडी, अगर कहीं पर जल गया है स्किन के जल जाने पर वहां पर इसका उपयोग किया जाता है ताकि पेन से रिलीफ मिल सके। और इसके अलावा इसका उपयोग, इस ऑयल का उपयोग स्केबीज एंड लेप्रोसी में भी किया जाता है, अर्थात कुल मिलाकर स्किन डिजीजेज में शीशम के ऑयल का उपयोग किया जाता है। नाउ देवदार, इसका बॉटनिकल नेम है सीड्रस देवदारा, फैमिली है इसकी पाइनेसी, और यह हम जो नेटिव है अफगानिस्तान, नॉर्थ बलूचिस्तान और नॉर्थ वेस्ट हिमालय, तो यहाँ पर ये मुख्य रूप से मुख्य पादप है वहाँ का। इसका जो प्लांट होता है वह लार्ज एवरग्रीन ट्री है और इसकी हाइट काफी ज्यादा होती है, 80 मीटर की होती है, काफी चौड़ाई लिए हुए होता है। आप पिक्चर में आप देख सकते हैं देवदार का वृक्ष। और इसकी जो लीव्स होती है डार्क ग्रीन होती है, नीडल शेप्ड होती है, क्योंकि पाइनेसी फैमिली का है तो इसकी जो लीव्स हैं वह कैसी है, नीडल शेप है और जो लंबी, जो दो तरह की लीव होती है ना, द्वार शूट भी होता है तो, और जो लॉन्ग शूट्स होते हैं और द्वार शूट, तो दोनों पर जो नीडल शेप आपको लीव्स दिखाई देंगी। प्लांट जो होता है मोनोसियस होता है, जो फीमेल कोन होगा वह इरेक्ट होता है, बैरल शेप्ड होता है, और इसकी जो लंबाई होती है 10 से 12.5 सेंटीमीटर तक आपको देखने को मिलेगी। और सीड्स होते हैं विंग युक्त, विंग उसमें पाए जाते हैं, ट्रायंगुलर विंग्स सीड में आपको देखने को मिलेंगे। नाउ कहाँ कहाँ पर इसका प्लांटेशन किया जाता है देवदार का? भारत में अगर हम देखें तो नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय ऑफ हिमालय ऑफ कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड पंजाब, और इसके यह प्लांट अच्छे से वहाँ फ्लरिश होता है जहाँ पर सनी लोकेशन हो और वेल ड्रेन सॉइल हो, यानी सॉइल में पानी नहीं रुकना चाहिए, तो वहाँ इसकी अच्छी खेती होती है। प्रॉपर्टीज हम देखें तो सैफवुड और हार्डवुड में यह बटा हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा हार्डवुड इसकी जो होती है वो लाइट येलोइश ब्राउन होती है। और आगे अगर हम देखें इसमें तो इसका एवरेज वेट जो होता है 545 kg पर मीटर एरिया में होता है, मॉइस्चर कंटेंट वही 12% है। इसमें कैरेक्टरिस्टिक पंजेंट ऑर्डर आपको दिखाई देती है। वुड जो होती है नॉन पोरस होती है और डिस्टिंक्ट ग्रोथ रिंग्स, यहाँ पर ग्रोथ रिंग्स अर्थात एनुअल रिंग्स जो होती है वहाँ आपको दिखाई देंगी। मेडुलरी रेज जो होती हैं आप इजीली उनको देख सकते हैं और क्लोजली स्पेस्ड होती हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो ये इसकी कास्ट है। नाउ देवदार के जो यूजेस हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्गेस्ट वुड होती है और इंडियन कॉनिफेरस वुड है यह। इट इज वाइडली यूज्ड फॉर डोर एंड विंडो फ्रेम्स, फर्नीचर, पैकिंग केसेस, बीम्स और ब्रिजेस और रेलवे स्लीपर्स बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। द वुड यील्ड्स एन ओलियो रेजिन, इसे एक ओलियो रेजिन प्राप्त किया जाता है और इसका उपयोग अल्सर और स्किन डिजीजेस में यूज किया जाता है। इसके अलावा डाईयूरेटिक, डाईफोरेटिक और कार्बिनेटिव होती है इसकी लकड़ी, और इसका उपयोग यूजफुल इन फीवर, पल्मोनरी एंड यूरिनरी
रूमेटिज्म में इसका उपयोग किया जाता है, पाइल्स में इसका उपयोग किया जाता है, एंड इट इज ऑल्सो एन एंटीडोट टू स्नैक बाइट्स। सीडार वुड ऑयल है जो प्राप्त किया जाता है, वह जो होता है उपयोग इसका सोप में या परफ्यूमरी प्रोडक्ट्स में किया जाता है। तो इसके जो वुड चिप्स होते हैं उनको गर्म किया जाता है, जो भाप बनती है उससे ये सीडार वुड ऑयल प्राप्त किया जाता है, जिसका उपयोग सोप बनाने में और परफ्यूम बनाने में किया जाता है। पाइन, जिसको हम चीड़ भी कहते हैं, पाइनस रोक्स पर गई, यहाँ पर आप देख सकते हो ट्राइंगुलर शेप में फैमिलीज की पाइनेसी ही है, और यह टेम्परेट हिमालयाज का मुख्य पादप है, काफी बड़ा होता है, ग्रेगेरियस होता है, सिमेट्रिकल ब्रांचेस होती हैं, लॉन्ग नीडल शेप्ड और नियरली ट्राइक्वेट्रस लीव्स इसमें होती हैं। प्लांट ये भी मोनोशियस है, कौन जो होगा इसका फीमेल कौन वो ऊंची वाली जो ब्रांचेस हाईएस्ट ब्रांचेस पर आपको दिखाई देगा, जो मेल कौन होंगे वह नीचे की ओर एपियर्स होते हैं दिखाई देते हैं। सीड्स जो होते हैं वह थिन मेम्ब्रेनस विंग युक्त होते हैं। नाउ एरिया कहाँ कहाँ पर इसको उगाया जाता है, वेस्टर्न और ईस्टर्न हिमालय रीजन में इसको उगाया जाता है। इसके अलावा हम अफगानिस्तान, वेस्ट वर्ड टू अफगानिस्तान, ईस्ट वर्ड टू सिक्किम और भूटान तक इसी को उगाया जाता है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश में भी इसी काफी खेती की जाती है, और इस प्लांट को ओपन विंड वाली सनी लोकेशन और वेल ड्रेन सॉइल इसको चाहिए होती है, क्लाइमेट अगर हम इसका देखें तो। और इसके अलावा ऐसी सॉइल जिसके अंदर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी से काफी कम न्यूट्रिएंट्स है तब भी यह उग जाती है, और ये ऐसे स्टोनी और स्टोनी एरियाज जो होते हैं, पथरीली एरिया और स्टीप्स में, घाटियों में भी काफी इजीली इसकी खेती कर दी की जा सकती है। नाउ प्रॉपर्टीज हम देखें तो यह भी सैपवुड और हार्डवुड में डिफरेंशिएट आपको दिखाई देगा। इसके अलावा इसके अंदर रेजिनस ऑर्डर आपको दिखाई देखने को मिलेगी। इसके अलावा इसकी जो वुड है वह नॉन पोरस होती है विद डिस्टिंक्ट ग्रोथ रिंग्स, रेजिन केनाल आर लार्ज एंड प्रोमिनेंट। इसमें रेजिन केनाल्स काफी बड़ी और प्रोमिनेंट आपको दिखाई देती हैं, और मेडुलरी रेज आर वेरी फाइन न्यूमरस होती हैं, अपियर अंडर ए हैंड लेंस एज ए क्लोजली स्पेस लाइन। अगर हम इसको मेडुलरी रेज को अगर हम देखें तो इजीली आपको दिखाई देंगी। यहाँ पर भी आप देख सकते हो वुड ऑफ पाइन का एक सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इजीली आप देख सकते हो। अर्ली वुड, लेट वुड, रेजिन डक्ट्स यहाँ पर दिखाई हुई है, रेजिन डक्ट्स। यूजेस ऑफ पाइन्स, इस पाइन ट्री का अगर हम कहाँ कहाँ पर यूज किया जाता है तो मुख्य रूप से पैकिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ट्रक और बसेस की जो बॉडीज होती हैं उसको बनाने में किया जाता है। इसके अलावा वैगन्स और रेलवे कैरिज बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, पेपर पल्प में भी इसका उपयोग किया जाता है जिससे पेपर में बनाया जाता है। इसके अलावा इससे जो ऑयल प्राप्त होता है वह पेंट्स और वार्निशेस के सॉल्वेंट के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है एज ए सॉल्वेंट। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल्स प्रिपरेशन में, परफ्यूम्स इंडस्ट्रीज में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा डिसइंफेक्टेंट्स, इंसेक्टिसाइड्स के प्रिपरेशन में भी इसका उपयोग किया जाता है। लंबे समय से चले आ रही ब्रोंकाइटिस डिजीज में इसका उपयोग किया जाता है सॉइल का, और लंग्स में जो गैंग्रीन डिजीज हो जाती है उसमें भी इस ऑयल का उपयोग किया जाता है। तो यह काफी इसकी उपयोगिताएं हैं पाइन की। हाँ, तो ये हमारी कुछ मुख्य इमारती काष्ठीय पादप थे, रिसोर्सेस थे प्लांट्स के जिनसे हमें इमारती काष्ठ प्राप्त होती है। आशा है आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल सीसीई राज, JDBGGC कोटा। धन्यवाद।